दिल्ली में 8 करोड़ की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने वाले लुटेरों के साथ गुड़गांव पुलिस के एक कांस्टेबल ने खेला लूट का खेल। दरअसल लुटेरे लूट का 10 लाख लेकर गुड़गांव कार खरीदने गए थे, लेकिन एक कांस्टेबल ने उनसे 8.5 लाख रुपए लूट लिए। ये पूरी घटना एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सामने आया दिल्ली के लाजपत नगर में करोड़ों की लूट को अंजाम देने वाले लुटेरों का सीसीटीवी फुटेज। जो कुछ भी सीसीटीवी में दिखा वो हैरान करने वाला है। निंदहाड़े 8 करोड़ रुपयों पर डाका डालने वाले बदमाश खुद ही लूट का शिकार बन गए। गुड़गांव के एक टोल में लगे सीसीटीवी कैमरे में लूट की अजीबोगरीब वारदात कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की एक गाड़ी होटल के बाहर आकर रुकती है। किराए पर लाई गई इसी गाड़ी में लूट को अंजाम देने वाले 4 लुटेरे हैं। चारों लुटेरे एक एक कर होटल के अंदर दाखिल होते हैं। लुटेरे टैक्सी ड्राइवर को पैसा तक नहीं देते। लिफ्ट से ऊपर जाकर लुटेरे कमरे में सामान रखते हैं और वापस बाहर निकल आते हैं। इसी बीच लुटेरे फिर अपने एक साथी के साथ होटल में आते हैं। एक लुटेरे के कंधे पर टंगे बैग में लूट के 10 लाख रुपए हैं। काफी देर बाद जब लुटेरे कैब के पास पैसे देने नहीं आए तो कैब ड्राइवर खुद लुटेरों से पैसे मांगने होटल के अंदर पहुंच गया। लुटेरे ड्राइवर को देखकर भागने लगे तो ड्राइवर ने उन्हें दबोच लिया। झड़प बढ़ी तो वहां गुड़गांव पुलिस का कांस्टेबल सुदीप भी पहुंच गया। कांस्टेबल सुदीप ने लुटेरे अजय के बैग की तलाशी ली तो उसमें 10 लाख रुपए निकले। लूट के रुपयों से लुटेरे 10 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे थे। रुपयों को देखकर कांस्टेबल की नीयत खराब हो गई। उसने 8.5 लाख रुपए लुटेरों से ही लूट लिए और सबको जानते हुए भी उन्हें वहां से जाने दिया। अब चारों लुटेरे दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में हैं, लेकिन सवाल है कि क्या गुड़गांव पुलिस के कांस्टेबल सुदीप के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। गुड़गांव से विनय सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज 24।